हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, BHU सुपर एक्सप्रेस क्लासेस चल रही है। एक्सप्रेस क्लासों में से आपके BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने के चांस है, यानी कि आपके 20-25 क्वेश्चन इन्हीं क्लासों में से, जो चार क्लासें होंगी आपकी BHU सुपर एक्सप्रेस क्लासेस चार होगी, इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके 360 क्वेश्चन है। टोटल 360 में से 20-25 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, RH नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आपको BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे 360 में। 360 क्वेश्चन जिसने कर लेना, समझो उसने पूरी बायोलॉजी इन चार दिनों में पढ़ ली। दोस्तों, वही क्वेश्चन मैं इन्हीं में करवा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, दो क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, BHU सुपर एक्सप्रेस क्लास की दो क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है दोस्तों। तो तीसरी क्लास को सब एंजॉय से देखना और एंड तक जरूर देखना, जो स्टार्टिंग में आ गए सभी एंड तक जरूर देखना। क्लास को एंड तक देखोगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तिल चट्टे के आह नाल में मुख से आरंभ कर अंगों के उचित क्रम को चयन करो, यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, यानी कि तिल चट्टे के आह नाल में मुख से आरंभ कर अंगों के उचित क्रम का चयन करो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, सभी कमेंट कर दो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ। दोस्तों, आपकी क्लास 10:30 तक खत्म हो जाएगी, तो 10:30 तक सभी साथ में जरूर बने रहेगा, क्योंकि ये क्लास लंबी होगी थोड़ी सी, क्योंकि क्वेश्चन कितने हैं, 90 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में भी, यानी कि 90 करके टोटल 180 क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ। आज 90 होते 270, कितने क्वेश्चन पेंडिंग बच जाएंगे दोस्तों, 90 क्वेश्चन और पेंडिंग बच जाएंगे जो कल मैं करवा दूंगा। कल मैं सोच रहा हूँ कि आपकी क्लास को 3 बजे रख लूँ, क्योंकि आप नाइट में आपको नींद भी निकालनी है, सोना भी जरूरी है, एग्जाम से पहले प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है, तो इस वजह से आपको सोना है, इसलिए मैं 10 बजे ना करवाकर उसको 3 बजे करवा दूँ। जो आपकी फिजिक्स की क्लास है वो मैंने वैसे भी बंद कर दी है, अब वो क्लास नहीं होगी शायद फिजिक्स वाली। तो और जो RHS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो टेंशन मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी टेंशन मतलब, उनके लिए मैं सुपर एक्सप्रेस क्लासे लाने वाला हूँ। एंट्रेंस एग्जाम से 10 दिन पहले आपको क्लासे मिलने स्टार्ट हो जाएगी, किसकी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और बायोलॉजी की, सबकी सुपर एक्सप्रेस क्लासे मिलेगी, RHS सुपर एक्सप्रेस क्लासेज मिलेगी आपको। तो उसकी भी आप टेंशन मतलब, बहुत सारे क्वेश्चन आपके उन्हीं क्लासों में से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो टेंशन मतलब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोक, गिजार्ड, इलियम, कोलोन और रेक्टम, यानी कि तिलचट्टे के नाल में मुख से आरंभ कर अंगों का उचित क्रम होगा, ग्रसनी, ग्रसिका, सस्य, पेशनी, इलियम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैस इन मैनुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म हरित ग्रह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन गैस, CO2 एंड मिथेन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा पेशीय विकार वंशानुगत है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय विकार है, यानी कि फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेंस। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, सभी कमेंट करके जरूर बताना इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सभी को बताना है दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि पेशीय दुष्पोषण पेशी विकार वंशानुगत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पक्षमाभिधारी उपकला कोशिकाएं कणों अथवा श्लेष्मा को एक विशेष दशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है, मानव में ये कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, द सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स टू म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमंस
ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रजेंट इन। तो बताइए दोस्तों द सेल्स सिलेक्टेड एपिथेलियम सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, बाइल डक्ट, ब्रोंकियोल्स, फेलोपियन ट्यूब्स, पेनक्रियाटिक डक्ट, यूस्टेन ट्यूब और सलाइवरी डक्ट, ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब्स। तो इनमें से आपको बताना है कि सिलेक्टेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब्स में सिलेक्टेड एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से याद हो जाएंगे, 4 क्वेश्चनों को आपको अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो कॉलमल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनमें एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। तो पी तरंग के बारे में बताना है, पी तरंग क्या होता है, पी तरंग पर क्या होता है, QRS पर क्या होता है, टी तरंग पर क्या होता है, टी तरंग के आकार में कमी से क्या होता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, जल्दी से इनका मिलान करके आप जल्दी से 5 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, सभी स्टूडेंट जल्दी कमेंट कर दो दोस्तों। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दो दोस्तों, लाइक करना आपका काम है दोस्तों, लाइक तो कर दिया करो, लाइक करने से कुछ नहीं बिगड़ता आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताओ दोस्तों, यानी कि जो पी तरंग होती है ना, पी तरंग किससे क्या करती है, तो दोस्तों पी तरंग आलिंदों को विध्रुवीकरण यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल नीलियों का विध्रुवीकरण, ठीक है। टी तरंग क्या है, नीलियों का पुनर्धर्मण यानी कि रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और जो टी तरंग के आकार में कमी होती है यानी कि रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टी वे, तो ये केस में काम आती है, तो ये आती है कोरोनरी इस्चीमिया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों याद रखना कि पी तरंग डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, टी वे डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टी वे, तो ये है कोरोनरी इस्चीमिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के सौ स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के सौ स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बॉटनिकल गार्डन यानी कि वनस्पति उद्यान, इन सीटू यानी सौ स्थानीय संरक्षण, जैव विविधता के सौ स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है कौन, बॉटनिकल गार्डन यानी कि वनस्पति उद्यान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंज ऑफ 2.2 to 5 kg, 97% ऑफ द न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, वेर एज 99% ऑफ 4.5 to 2 kg डाई, यानी कि 2.5 to 2.5 kg से 4.5 to 5 kg डाई हो जाते हैं, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ टेकिंग प्लेस, यानी कि एक स्पीसीज में नवजात का बार 2 to 5 kg के बीच में है, 3 to 3.3 kg औसत वजन वाले 97% नवजात जीवित रहते हैं, जबकि 2 to 2.5 kg वाले और 4.5 to 5 kg वाले 99% नवजात मर गए, या यहाँ किस प्रकार की वर्ण क्रिया हो रही है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, कौन सी सिलेक्शन प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, कौन से सिलेक्शन की प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर, द सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन यानी कि स्थायी कारक वर्णन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका चक्रण की अवस्था का सही क्रम कौन सा होगा, यानी कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, कोशिका चक्रण का सही क्रम कौन सा होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कमेंट करके जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर कमेंट करके जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, G1, S, G2 और M फेज। ये होगी कोशिका चक्र की सही क्रम, सबसे पहले आएगी G1, फिर S फेज आएगी, फिर G2 फेज आएगी, फिर M फेज आएगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस दियर सेलुलर एक्टिविटीज, यानी कि कोशिकीय क्रियाओं को स्टेरॉयड हार्मोन किस प्रकार प्रभावित करता है, तो बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, स्टेरॉयड कोशिकीय क्रियाओं को स्टेरॉयड हार्मोन किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दो दोस्तों, सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, यानी कि डीएनए से बंधकर एवं जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर लाइक कर जाना एक बार क्लास खत्म होने से पहले, ठीक है ना। और आपको जो जितने भी ये क्वेश्चन है मैं यहाँ करवा रहा हूँ ना, ये आपको सारे वहाँ देखने को मिल सकते हैं। कहाँ पर देखने को मिलेंगे, BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, RHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, सब में देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आप टेंशन मत लो, करते रहिए क्लासों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको गलत कथन बताना है, गलत स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सभी बताओ दोस्तों। तो दोस्तों स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट है लाइसोसोम में बहुत से जल अपघटन एंजाइम होते हैं, तो दोस्तों हाँ बिल्कुल राइट बात है कि जो लाइसोसोम है ना उसमें बहुत सारे जल अपघटन एंजाइम होते हैं, यह बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और अगला वाला स्टेटमेंट क्या है, लाइसोसोम के जल अपघटन एंजाइम अम्ले पीएच में क्रियाशील होते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल राइट है, जो लाइसोसोम के जल अपघटन एंजाइम हो अम्ले पीएच पर क्रियाशील होते हैं। अगला, लाइसोसोम झिल्ली से गिरी हुई संरचना है, तो हाँ दोस्तों जो लाइसोसोम है वो भी झिल्ली से गिरी हुई संरचना है, तो इस बात को याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी ग्रुप देकर कि इनमें से कौन कौन सा झिल्ली से गिरी हुई संरचना है, तो लाइसोसोम भी झिल्ली से गिरी हुई संरचना है। ठीक है, अगला फोर्थ स्टेटमेंट है, लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में समावेष्टन की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो लाइसोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समावेष्टन की प्रक्रिया से नहीं बनता, ये गोल्जी बॉडी के समावेष्टन की प्रक्रिया से बनते हैं, न कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट, यानी कि पुष्पे पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको बताना है पुष्पे पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, सभी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो कि पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बीजांड भ्रूण कोष में विकसित होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, बीजांड भ्रूण कोष में विकसित होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन के नेवेलिन एक क्या है, कौन के नेवेलिन क्या है, तो आपको बताना है कौन के नेवेलिन क्या है, तो बताइए दोस्तों कौन के केवेनेलिन इज, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, सभी कमेंट करके बता दो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार सभी लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन RHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो RHS स्टूडेंट वाले, RHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम वाले स्टूडेंट भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल हैं। और दोस्तों बार बार कमेंट आ रहा है कि नीट के क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों मैं मान रहा हूँ ना नीट के क्वेश्चन है, लेकिन नीट के साथ साथ NCERT के भी क्वेश्चन है इनमें यार। बार बार कमेंट आ रहा है कि नीट के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इस वजह से नीट के भी करवा रहा हूँ, नीट के साथ साथ दूसरे भी क्वेश्चन है दोस्तों इसमें NCERT के भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अलेक्टिन, यानी कौन
कौन के नेविलिन एक ए लेक्टिन भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फ्लोरिंग इक्विपमेंट इज इसेशनल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोविंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कि जैव एंजाइमों के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, सभी कमेंट करके बता दो इसका राइट आंसर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सभी कमेंट करो दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बायोरिएक्टर। ठीक है, क्या बायोरिएक्टर, जेड रिएक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथनों को ध्यान रखिए, यानी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन चारों दोनों कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बात बतानी है अपन को क्वेश्चन नंबर 14 में। तो को एंजाइम और मेटल आयन दैट टाइटली बाउंडेड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटोस्टेटिक ग्रुप, यानी कि सह एंजाइम और धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बनते हैं उसे प्रोस्टेटिक समूह कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर तो ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है, एक प्रोस्टेटिक समूह से बंधा हुआ उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम एपो एंजाइम कहलाता है। तो दोस्तों ये बी वाला गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन बी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए एंड आरएनए दोनों में पाए जाने वाला प्यूरिन कौन से हैं, यानी कि प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन कौन सा है। तो सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कि डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन सा है। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि डीएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन और आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन सेम होता है, प्यूरिन तो दोनों में सेम होता है, तो प्यूरिन क्या होगा, एडेनिन गुआनिन दोनों में होगा, लेकिन जो पिरामिडिन होता है ना दोस्तों, तो डीएनए में पाया जाता है यूरेसिल, डीएनए में कौन कौन से पिरामिडिन पाए जाते हैं डीएनए में, साइटोसिन और थायमिन, ये दोनों किस में पाए जाते हैं डीएनए में, जबकि आरएनए में कौन सा पाया जाता है पिरामिडिन, आरएनए में पाया जाता है पिरामिडिन साइटोसिन एंड यूरेसिल, कौन सा यूरेसिल ना कि थायमिन, थायमिन डीएनए में पाया जाता है जबकि आरएनए में क्या पाया जाता है दोस्तों यूरेसिल पाया जाता है, तो इस बात को आप सभी ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो एडिनिन होता है वो थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जबकि जो साइटोसिन होता है ना, डीएनए की बात कर रहा हूँ, डीएनए में एडिनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, जबकि साइटोसिन डीएनए में ये किसके साथ जुड़ता है, गवानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, जबकि जो आरएनए होता है तो आरएनए में ये तो सेम रहेगा साइटोसिन तो गवानिन के साथ जुड़ेगा, लेकिन जो एडिनिन होता है ना आरएनए में, एडिनिन डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल से जुड़ता है ना कि थायमिन से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये कर लिया और वो बात पे आप ध्यान रखना जो मैंने अदर बताई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के सही क्रम का चयन करो, यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताओ आप पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सीक्वेंस बताना है, आपको सही क्रम बताना है स्पर्म सेल्स का। तो सबसे पहले आएगा सेमीफेरस ट्यूबल रेटेटेस्टिस वासापेंसिया एपिडाइडमिस वास डिफ्रेंस एजेकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मेटस। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शुक्र जनन नलिका वर्षण जालिकाएँ शुक्र वाहिकाएँ अधिवर्षण शुक्र वाहक स्क्लीन वाहिनी मूत्र मार्ग और यूरेथ्रल मेटस। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मैच द होमिनिड विद दियर करेक्ट ब्रेन साइज, यानी कि होमिनिडों के उनके सही मस्तिष्क माप के साथ मिलान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको कमेंट करना है, इनके मस्तिष्क मापों का सही मिलान करना है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कभी पूछ लिया जाता है, मान लो अकेले का पूछ लिया, होमो सेपियंस का पूछ लिया, होमो इरेक्टस का पूछ लिया, होमो हैबिलिस का पूछ लिया, होमो नियांडरथैलिस का पूछ लिया, तो इनका राइट आंसर आप यहाँ से याद करके जाओगे तो वहाँ आप राइट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों होमो हैबिलिस की मस्तिष्क क्षमता कितनी होती है, तो आप सब लोग जानते हो होमो हैबिलिस की होती है 650 से 800 सीसी,
होमो नेडर थेलेसिस की कितनी होती है दोस्तों? इनकी होती है 1400 cc, कितनी होती है 1400 और होमो इरेक्टस की कितनी होती है? होमो इरेक्टस की होती है 900 cc और होमो सेपियंस की होती है दोस्तों 1350 cc। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, होमो हैबिलिस की 650 से 800 cc, होमो नेडरथेलेसिस की कितनी होती है? होमो नेडरथेलेसिस की होती है 1400 से 1400 cc, होमो इरेक्टस की 900 cc और होमो सेपियंस की 1350 cc। तो इन बातों को आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेरिएशन केज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिवरीज आर, यानी कि जैसा कि ह्यूगो डिवरीज ने प्रस्तावित किया था कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नता होती है, ये कैसी होती है? यादृच्छिक होती है, दिशात्मक होती है, या छोटी होती है, या बड़ी होती है? कैसी विभिन्नताएँ होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है कि जैसा कि ह्यूगो डिवरीज ने प्रस्तावित किया था कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएँ होती है, तो ये कैसी होती है? यादृच्छिक होती है, कैसी होती है? तो दोस्तों ये होती है यादृच्छिक, रेंडम एंड दिशा रहते, यानी कि डायरेक्शनल लेस। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कोशिकाओं के युग में किसमें डीएनए नहीं होता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो। और दोस्तों जो आज का जो टेस्ट हुआ था बायोलॉजी का, वो बहुत कम स्टूडेंटों ने शुरू में स्टार्टिंग में अटेंड किया था, तो सभी लोग उसको पूरा दोबारा से देख लेना, क्योंकि उसमें भी आज क्वेश्चन ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी आज। ठीक है, तो उसको अभी तक आपने नहीं अटेंड किया हो तो सभी अटेंड कर लेना जल्दी से उसको भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लाइसोसोम और वैक्यूल में डीएनए नहीं पाया जाता दोस्तों, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में वैक्यूल पाया जाता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन वैक्यूल और लाइसोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जन एंड पोल्यूटेंट मैनी पीपुल्स इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम द रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर केजिंग ड्यू टू, यानी कि वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफी व्यक्ति श्वसनीय विकार जो क्रगराट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित हैं, क्योंकि बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? फिर बताइए क्या है उसका राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। तो इसका राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओगे, जल्दी से बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्वसनी और श्वसनिकाओं के इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अनुचित कथन का चयन कीजिए, यानी कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अनुचित कथन का चयन करना है आपको, अनुचित कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी को बताना है जल्दी से इसका राइट आंसर। और दोस्तों जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करना, आपका काम है तो लाइक तो कर दो यार। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी को बताना है। तो देखते हैं इसमें राइट ऑप्शन क्या क्या है। अनुचित कथन का चयन कीजिए, तो यानी कि नर फल मक्खी विषम युग्मकी होती है, यानी कि जो मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगेमेटिक। तो दोस्तों फर्स्ट तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये करेक्ट है। नर टिड्डा में 50% शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र नहीं होता। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, जो नर टिड्डों का जो ये होता है रिप्रेजेंटेशन वो XO प्रकार का होता है, ये XO प्रकार का लिंग गुणसूत्र होता है इनमें, तो इनमें 50% शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र नहीं होता। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है, फर्स्ट और सेकंड तो राइट हो गए। ठीक है, और पालतू मुर्गों में संतति के लिए लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर कर पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु पर के प्रकार पर निर्भर करता है, ना कि अंडाणु पर। तो दोस्तों ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पालतू मुर्गे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, पशु पक्षी में जो लिंग निर्धारण होता है वो मादा पर डिपेंड करता है, अंडाणु पर डिपेंड करता है, ना कि नर पर, ना कि शुक्राणु पर। तो मादा पर डिपेंड करता है दोस्तों, इस बात का देखना, क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं उनमें मेल के लिए क्या होता है, मेल के लिए और फीमेल के लिए बताता हूँ, मेल के लिए होता है उनमें
एक्स एक्स और फीमेल के लिए एक्स वाई, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता किन किन में, पक्षी पक्षियों में। तो सेकंड तो गलत, थर्ड गलत हो गया, तो राइट आंसर अपना अपना ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, और देख लेते हैं फोर्थ को है, मानव नर में लिंग गुणसूत्र दूसरे की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डीएनए परसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिकुल्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद, यानी कि जैव अणु के एक मिश्रण में किसे उपचार करके डीएनए अवक्षेपण को प्राप्त किया जा सकता है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, सभी को कमेंट करके बताना है दोस्तों। जैव अणु के एक मिश्रण में किसे उपचार करके डीएनए अवक्षेपण को प्राप्त किया जा सकता है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, चिल्ड्रेड एथेनॉल, यानी कि सीतित एथेनॉल से। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, यानी कि जैव नियंत्रण कारकों के सही विकल्प का चयन करो, जैव नियंत्रण कारकों के सही विकल्प का चयन करना है आपको, तो बताइए दोस्तों बायो कंट्रोल एजेंट कौन कौन से हैं, उनका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में, सभी को इसका राइट आंसर कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करो दोस्तों, बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ट्राइकोडर्मा वेक्यूलोवायरस बेसिलस थ्यूरोजिनेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि अनुचित कथन का चयन करो, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, अनुचित कथन का चयन करना है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है अंतः प्रजनन संयुग्मता में वृद्धि होती है, यानी कि इनब्रीडिंग इंक्रीज द होमोजाइगोटिसिटी, तो बिल्कुल फर्स्ट तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, क्योंकि जो अंतः प्रजनन है वो है ना उससे संयुग्मता में वृद्धि होती है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, अंतः प्रजनन किसी जानवर के शुद्ध वंश क्रम के विकसित होने के लिए आवश्यक है, तो हाँ दोस्तों ये भी बिल्कुल राइट है, यानी कि इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इन्वॉल्व प्योर लाइन इन द एनिमल। ठीक है, ये भी सही है। फोर्थ देख लेते हैं, पहले अंतः प्रजनन श्रेष्ठ जीनों के संग्रह व अवांछनीय जीनों के उन्मूलन में सहायता करता है, यानी कि इन ब्रीडिंग हेल्प इन द एकुमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अंडर सरेबल जीन, तो ये भी सही है दोस्तों। तो थर्ड वाला गलत होगा फिर यहाँ पे, जब सारे सही है तो थर्ड वाला गलत होगा, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अंतः प्रजनन हानिकारक अप्रभावी जीनों का चयन करता है जो जननता और उत्पादकता को कम कर देता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अंतः प्रजनन होता है इनब्रीडिंग होता है वो हानिकारक नहीं ये लाभकारक अप्रभावी जीनों का भी चयन करता है, तो ये गलत है दोस्तों, इसमें गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फिर से मिलान वाला आ गया दोस्तों, मिलान करिए जल्दी से, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोडक्ट दे, यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म द्वारा कौन से जीव द्वारा कौन सा उत्पाद उत्पादित होता है, कौन सी वस्तु उत्पादित होती है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, लैक्टोबैसिलस सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी एस्पर्जिलस नाइगर और एसिटोबैक्टर एसिटाई, तो आप सब लोग जानते हो लैक्टोबैसिलस से क्या बनता है, दही बनता है, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी से क्या बनता है दोस्तों, इससे बनती है ब्रेड, और एस्पर्जिलस नाइगर से क्या बनता है, एस्पर्जिलस नाइगर से बनता है दोस्तों सिट्रिक एसिड, और एसिटोबैक्टर एसिटी से क्या बनता है दोस्तों, इससे बनता है एसिटिक एसिड, तो आप सब लोग इस बात को ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस से कर्ड, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी से ब्रेड, एस्पर्जिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड क्या बनता है, सिट्रिक एसिड, और एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनता है एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है कौन सी होती है, जल्दी से इसका राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द्विध्रुव दिशागामी, यानी कि बाय डायरेक्शनल, कौन सी, बाय डायरेक्शनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इन सम प्लांट द फीमेल गैमेट डेवलप इंटू एम्ब्रियो
एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस फिनोमिना इज नाउन एज, यानी कि कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो आप सब लोग जानते हो इसे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, सभी बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि अनिषेक जनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे क्वेश्चन नीट के हो चाहे एनसीईआरटी के, आपको उस चीज़ से मतलब नहीं है, आपको उस चीज़ से मतलब है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। यदि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए ना, तब बोलना ना, तो आपको बस क्वेश्चन मिलने से काम है और आपका सिलेक्शन होने से मतलब है, बाकी और चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जो नीट की रट लगा के बैठे ना, तो उन स्टूडेंट्स को सुन लो वो लोग, कि वो उनको सिलेक्शन से मतलब है, नीट से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आपको सिलेक्शन से मतलब है। आपसे मैं बोल रहा हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे तो मिलेंगे ही, सही ना? तो क्यों टेंशन, किस बात की टेंशन ले रहे हो यार फिर? तो आप तो पढ़ते रहो, करते रहो क्वेश्चनों को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेजेंटेड न्यूक्लियस इन द सीड ऑफ सीड इज नाउन, यानी कि बीज के अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर, बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर, सभी कमेंट करके बताओगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड, परिभ्रूण पोष, यानी कि पेरी स्पर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट मैप यूनिट सेंटी मॉर्गन इज अडॉप्टेड इन कॉन्स्टेंट्रेशन ऑफ जेनेटिक मैप्स, यानी कि आनुवंशिक मानचित्र के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई सेंटी मॉर्गन अपनाई गई है? तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, कौन सी मानचित्र इकाई सेंटी मॉर्गन अपनाई गई है, किस वजह से अपनाई गई है? क्वेश्चन सेंटी मॉर्गन क्या है, तो आपको बताना है, बस इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सेंटी मॉर्गन की डेफिनेशन आपको बतानी है, सेंटी मॉर्गन क्या है। तो जल्दी से सभी कमेंट करके बता दो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, सभी कमेंट करो जल्दी से। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने आज वाली जो क्लास हुई थी बायोलॉजी की, जो टेस्ट हुआ था 7:00 PM, वो जिसने अटेंड नहीं किया तो उसको सभी अटेंड कर लो, क्योंकि वो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज, तो कुछ उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार दोस्तों, उसको क्यों अटेंड नहीं करते आप, उसको कम अटेंड करना स्टार्ट कर दिया आपने। उसमें ओनली 15-16 जनों ने लाइव देखा था और किसी ने नहीं देखा, क्या कारण रहा है इस वजह का, नहीं देखने का कारण क्या है बताओ जल्दी से कमेंट करके, क्या कारण था कि आपने वो क्लास टाइम से अटेंड नहीं की? और फिजिक्स की तो आप सब लोग करते ही नहीं हो, आप तो नशेटे हो गए किसके लिए, फिजिक्स की क्लास के लिए, तो बहुत कम देखते हो यार फिजिक्स की क्लास को, मतलब फिजिक्स क्लास तो बंद करनी होगी, तो बंद होगी सही। अब फिजिक्स की क्लास की जगह आपको आपकी जो एक कल है ना, कल आपकी BHU सुपर एक्सप्रेस क्लास आपको कब मिलेगी, ये मिलेगी आपको 3:00 मिलेगी कल। कल 3:00 जो फिजिक्स क्लास होती थी, 3:00 भौतिक विज्ञान वाली क्लास होती थी, उसकी जगह कल ये क्लास मिलेगी, क्योंकि मैं नाइट में आपको कल परेशान नहीं करना चाहता, 7:00 के बाद आपको परेशान नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप 7:00 वाली क्लास देख लेना, उसके बाद फिर आप सो जाना, आराम से रेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि परसों आपका एग्जाम है। तो बताइए आप क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, सभी कमेंट करके बता दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच की दूरी की एक इकाई, यानी कि अस यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वुड बी हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल इज 50 ml, यानी कि यदि एक व्यक्ति का हृदय निकास 5 लीटर अनुसूत्रण के अंत में नीलियों के रुधिर आयतन 100 ml एवं नीले परकुंचन के अंत में 50 ml है, तो तब उसकी हृदय दर क्या होगी? तो बताइए दोस्तों, उसकी हृदय दर क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, सभी कमेंट करके बताओ उसकी हृदय दर क्या होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 100 beats per minute, यानी कि 100 spandan per minute होगी इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31,
थियोबेसिलस जीवाणु का एक समूह जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायक है, यानी कि थियोबेसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर। सभी को कमेंट करके जल्दी से इसका राइट आंसर सभी कमेंट कर दो। थियोबेसिलस जीवाणु का एक समूह जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायक है, सहायता करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, डी नाइट्रिफिकेशन यानी कि वी नाइट्रीकरण का कार्य करने में सहायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेक्ट यूरिन, यानी कि सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर, सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर सभी को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेंटेन द हाइपर ऑस्मोलरिटी टूवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टियम इन द किडनी, यानी कि वक्रकों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टियम की तरफ से अति ऑस्मोलरिटी बनाए रखना, यह इसका कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इनक्रेट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के संबंधित में कौन सा कथन गलत है। तो आपको गलत वाला कथन बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। सब जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दो। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो। जल्दी से इसका राइट आंसर सभी कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन के एक एंजाइम बाहरी झिल्ली अंत स्थापित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जाइलम ट्रांसलोकेटेड इट्स, यानी कि जाइलम किसका स्थानांतरण करता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर, जाइलम किसका स्थानांतरण करता है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दो कि जाइलम किसका स्थानांतरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जल खनिज लवण कुछ जैवीय नाइट्रोजन व हार्मोन का, यानी कि वाटर मिनरल साल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जी नॉट प्रावस्था में कोशिकाएं, तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर, सेल्स इन जी नॉट फेज, तो जी नॉट प्रावस्था में कोशिकाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है कि जी नॉट प्रावस्था में कोशिकाएं। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोशिका चक्कर से बाहर निकल जाती है, यानी कि एग्जिट द सेल साइकिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन ट्रीज, यानी कि वृक्षों में वार्षिक वल्लियों के बनने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर, वृक्षों में वार्षिक वल्लियों के बनने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वृक्षों की वार्षिक सुस्पष्ट नहीं होती। ठीक है, यह गलत स्टेटमेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड, तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्य उल्टा होता है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सामान्य उल्टा होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सायन की एक समुद्र में जीवभार का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, प्लेसेंटा इन विच
ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट इज, यानी कि उस बीजांडास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या प्रीद्य भाग में विकसित होता है। तो बताइए दोस्तों, प्लेसेंटेशन इन विच ऑफ ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर, उस बीजांड को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या प्रीद्य भाग में विकसित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर सभी कमेंट कर दो दोस्तों, बताइए क्या कहा जाता है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भित्तीय यानी पेराइटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डिड एम फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि निम्न में से निम्न प्रोटोकॉल में किसका उद्देश्य वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना था। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर, निम्न प्रोटोकॉल में किसका उद्देश्य वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के उत्सर्जन को कम करना था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मॉनिट्रल प्रोटोकॉल, यानी कि मॉनिट्रल प्रोटोकॉल जो वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना था, इसका उद्देश्य। और दोस्तों दूसरी बात ये याद रखना कि जो मॉनिट्रल प्रोटोकॉल है ये ओजोन संरक्षण के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था, तो उसका नाम है मॉनिट्रल प्रोटोकॉल। देख कब आया था, 1972 में आया था, कब आया था, 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, यानी कि निम्न में से किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर, निम्न में से किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो। और दोस्तों आपको यह क्लास कल 3 बजे मिलेगी, ठीक है, बीएचयू सुपर एक्सप्रेस क्लास आपको 3 बजे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्तन अनावर्त गोलियां और आपातकालीन गर्भ निरोधक, यानी कि लेक्टिनल एमिनोरिया पिल्स एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलेट इज 500 ml एंड 1000 ml रेस्पायरेटरी वाट विल बी, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक व्यायामी के जवारीय आयतन या 1900 सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 ml 1000 ml, यदि अवशिष्ट आयतन 1200 ml है तो इसकी निःशोषण क्षमता क्या होगी। तो बता दो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर, तो उसकी निःशोषण क्षमता क्या होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1500 ml, कितनी होगी 1500 ml। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, वाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनग्रिड, यानी कि एक सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है, सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताओ, जब नर युग्मक सहायक कोशिका में यानी कि सिन ग्रेड में स्क्रीत हो जाते हैं तो उनका क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट होता है उनका। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक अंड कोशिका के साथ संगलित हो जाएगा और दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से संगलित हो जाएगा, यानी कि वन फ्यूज विद द एग एंड ओदर फ्यूज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, वाट इज द साइट ऑफ प्रिसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, यानी कि पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल को बोध करने का स्थान कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर, पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल का बोध करने का स्थान कौन सा है, यानी कि प्रकाश के लिए इंडक्शन देने का स्थान कौन सा प्लेस पर प्लांट को प्रकाश का पता लगता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पत्तियों पर यानी कि लीव्स। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कैरोलस लीनियस, यानी कि आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन करो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपको बताना है, सही नाम क्या होगा, कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मेंजिफेरा इंडिका लीन, यानी कि मेंजिफेरा इंडिका लीन कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, फॉलोइंग द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि निम्नलिखित कथन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के लक्षणों का वर्णन करते हैं, गलत कथन को चुनना है। तो इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के लिए, तो पढ़ते हैं, देखें, फर्स्ट है यह एंजाइम डीएनए पर पहचाने हुए स्थान पर डीएनए को अणु को काटता है, तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। तो सेकंड वाला क्या है, यह एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों से जोड़ता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते पहचान गए स्थानों से काटता है, न कि उनको जोड़ता है, तो ये गलत हो गया, इनमें जोड़ना आ गया, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला गलत हो गया, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एंड स्पेसिफिक साइट एंड बाइंड नहीं करता, यहाँ पे ये क्या करता है दोस्तों, बाइंड नहीं करता, इसको कट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, फ्रॉम द एवोल्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू रेटेंशनल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन, यानी कि विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणुद्भिद में मादा युग्मोद्भिद के साथ विकासशील त्रोण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया था। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, टेरिडोफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इन एंटी राइनम यानी कि स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद द वाइट फ्लावर एंड इन एफ टू जनरेशन पिंक फ्लावर वर ऑप्टेन व्हेन पिंक फ्लावर वर सेल्फ द सेल्पड द एफ टू जनरेशन सोड वाइट रेड एंड पिंक फ्लावर्स चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि एंटी राइनम या स्नैप ड्रैगन में एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया तब ये अपन में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, जब गुलाबी पुष्पों को स्वपरागित किया गया तब एफ टू में श्वेत लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है आपको, तो कौन सा कथन गलत होगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता, जबकि दोस्तों इसमें पृथक्करण का नियम लागू होता है, सेग्रीगेशन लॉ इज अप्लाई होता है इसमें, लेकिन इसने क्या दे रखा है, नहीं होता, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द फर्स्ट इन्वर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय, यानी कि ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलाइसिस की पहली उत्क्रमणीय अभिक्रिया है किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सभी जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। दोस्तों अभी सोना नहीं है, अभी सोने के लिए सोना, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट की क्लास और बची हुई है, इस क्लास को ख़त्म होने के बाद सो लेना आराम से। ठीक है, जल्दी से इसको राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्सोकाइनेज एंजाइम उत्प्रेरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, यानी कि हेरोइन नामक ड्रग्स कैसे संश्लेषित होता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर, हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो।
हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती हैं? तो सभी इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन यानी कि मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी कि हार्मोन मोचक अंतर्गर्भाशय युक्ति का चयन करो। तो हार्मोन मोचक अंतर्गर्भाशय युक्ति का चयन करो, तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस का चयन करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोजेस्टार्ड LNG20 यानी प्रोजेस्टार्ड LNG20 हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, अ जीन लोकस हैज टू एलिल्स AA इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल A इज 0.4 देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट हेटरोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअली इन द पॉपुलेशन। यानी कि एक जीन लोकस पर दो एलिल AA हैं, यदि प्रभावी जीन प्रभावी एलिल A की बारंबारता 0.4 है तब समष्टि में समयुग्मजी प्रभावी विषमयुग्मजी समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्तियों की बारंबारता क्या होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है उनकी बारंबारता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका राइट आंसर बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ गोल्डन राइस यानी कि गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर गोल्डन चावल के विषय में कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर, जल्दी बताओ। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर सॉरी 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज विटामिन इज एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल यानी कि ये डैफोडिल के जीन वाला है, डैफोडिल के जीन वाला है, विटामिन ए प्रचुरित है। क्या है विटामिन प्रचुरित गोल्डन है, कौन सा गोल्डन राइज विटामिन ए प्रचुरित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो स्टेटमेंट सेकेंड है ना ये बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस के जीन वाला पीड़क प्रतिरोधी है। तो दोस्तों ये गोल्डन चावल के लिए नहीं है, ये किसके लिए है बीटी कपास के लिए, किसके लिए है बीटी कॉटन के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेटेड एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन दिस इज बिकॉज यानी कि पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते, यह किस कारण होता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर कि पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते, यह किस कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करो सभी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा सभी बता दो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका कवक मूल माइकोराइजा के साथ अनिवार्य संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यानी कि निम्न में कोशिक आनुवंशिक प्रकूट का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योगज DNA तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा कौन सा, जल्दी से बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आनुवंशिक प्रकूट लगभग सार्वभौमिक होता है यानी कि जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल यानी कि निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर, निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर, निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जेनाइटल हर्पीस यानी कि जननिक परिसर्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56,
जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन 30 से ज़्यादा बाकी है। अभी क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 56 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, वायरोइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। तो दोस्तों जो वायरोइड होता है लैक ऑफ प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट आवरण का अभाव होता है। वायरस यानी कि विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, यानी कि वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है ये भी सही है। प्रियोनों में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीनें होती है, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि प्रियोनो कंस्टिट्यूट द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट होगा क्योंकि इसमें गलत दे रखा है। वायरस में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है, यानी कि ये नहीं होता, जबकि इसमें क्या होता है आरएनए होता है। इन्फेक्टेड कंस्टिट्यूट इज वायरस इज प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट नहीं होता आरएनए होता है, इसमें क्या होता है आरएनए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद दियर रेस्पेक्टिव करेक्टरिस्टिक, यानी कि निम्न जीवों का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर आपको बताना है, आपके लिए जीव दे रखे हैं और उनकी विशेषताओं के साथ आपको मिलान करना है। पाइला किससे मिलेगा, बॉम्बिक्स किससे मिलेगा, प्लोरोबैंकिया किससे मिलेगा और टीनिया किससे मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर सभी को बताना है, जल्दी से इसका राइट आंसर आप कमेंट कर दो। तो दोस्तों जो पाइला है ना, पाइला किससे मिलेगा, तो पाइला मिलेगा दोस्तों किससे, रेतिका जीवा यानी कि रेडुला से, पाइला रेडुला से, ठीक है। बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स किससे मिलेगा, तो बॉम्बिक्स मिलेगा आपके मेल पिंगी नलिकाओं से, यानी कि मेल पिंगी ट्यूबवेल से मिलेगा बॉम्बिक्स। और प्लूरोब्रेंकिया किससे मिलेगा, तो प्लूरोब्रेंकिया मिलेगा दोस्तों कंतक पट्टिका यानी कि कॉम्ब प्लेट को, किससे, कॉम्ब प्लेट को। और टीनिया किससे मिलेगा, ज्वाला कोशिकाओं से, किससे, फ्लैम सेल्स से। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग रेफर टू, यानी कि व्यक्त अनुक्रम गुंडी का क्या तात्पर्य है। तो बताइए दोस्तों एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग यानी कि EST रेफर टू, इसका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। व्यक्त अनुक्रम गुंडी का क्या तात्पर्य है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, यानी कि आरएनए के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना EST कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सप्रेस्ड सिक्वेंस टैग कहलाता है, क्या, जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बता दो दोस्तों, कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों पहले का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मोरल एंड ट्रफल खाने योग्य होते हैं। तो दोस्तों जो मोरल और ट्रफल होते हैं एडेबल डेलिकेप से होते हैं, यानी कि खाने योग्य होते हैं, कौन, मोरल और ट्रफल। तो फर्स्ट तो सही है, क्लेविस सेप्स बहुत से एल्कोइड और LSD का स्रोत करता है, यानी कि स्रोत करते हैं, यानी कि जो क्लेविस सेप्स हैं इज सोर्स ऑफ मैनी एल्कोइड्स एंड LSD। तो ये बिल्कुल राइट है भी, कॉनिडिया बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं और इसको बीजाणु बहिर्जात अंतर्जात से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये भी राइट है, जो कॉनिडिया होते हैं, तो क्वेश्चन इनको भी याद रखना कि कॉनिडिया बहिर्जात से उत्पन्न होते हैं और इसको बीजाणु अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा क्योंकि ये गलत दे रखा है। इष्ट में लंबे धागे नुमा कवक तंता वाले तंतु में इकाई होती है, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मैच द कोलम, कोलम मिलान करना है आपको यहाँ पे, तो मिलान करिए जल्दी से। मर्तजीवी, परजीवी, लाइकेन और कवक मूल के बारे में डेफिनेशन के हिसाब से बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सभी बताओ जल्दी से। जो मर्तजीवी है ना, मर्तजीवी किससे, क्या है, मर्त जैव पदार्थों का अपघटन करते हैं, परजीवी क्या करते हैं, परजीवी करते हैं दोस्तों जीवित पादपों व जंतुओं पर रहने वाले होते हैं, कौन, परजीवी। लाइकेन क्या है, लाइकेन शैवाल और कवकों का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। और कवक मूल यानी कि माइकोराइजा, तो पादप जड़ों के साथ कवकों का सहजीवी संबंध, पादप जड़ों के साथ कवकों का सहजीवी संबंध माइकोराइजा कवक मूल कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61,
निम्न में से कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इंसुलेटर डिपेंडेंट। तो बताइए आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर, सभी कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, GLUT4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट, यानी कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वक्र निरोप को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर सभी को बताना है कि कौन सी प्रतिरक्षा वक्र निरोप को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर कमेंट करो जल्दी से, कौन सा होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा जल्दी बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, सेल इमीडिएट ह्यूमन रेस्पॉन्स, यानी कोशिका माध्यमिक प्रति अनुक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, यानी कि हीमोडायलिसिस रक्त अपवन के दौरान कृत्रिम वक्र के उपयोग के परिणाम स्वरूप निम्न में से सर्वाधिक उचित कथन कौन सा होगा, कौन से सही है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर सभी को कमेंट करना है। तो दोस्तों इसके संबंध में कौन सा उचित है, तो इसमें सी और डी उचित है, यानी कि जटर आंत्रपथ में कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी आती है और आरबीसी उत्पादन में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा दोस्तों किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा, कि कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर सभी को बताना है जल्दी से, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कॉर्निया में कोलाजन का संघनन आधात्रि होता है और ये नेत्र का सर्वाधिक संवेदनशील भाग है, यानी कि कॉर्निया कंसिस्ट टू डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलाजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आईज, आई का आँख का सबसे सर्वाधिक संवेदनशील भाग कौन सा है दोस्तों, कॉर्निया। तो याद रखना दोस्तों आँख का सबसे सर्वाधिक संवेदनशील पार्ट है कॉर्निया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोजोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन बाय, यानी कि जीनों के बीच दूरियों के मापन के रूप में एक गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योग की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 अल्फ्रेड स्टेटवेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, लेक ऑपरेंट में निम्न जीनों को उनके उत्पादों के साथ मिलान कीजिए। तो दोस्तों इनको प्रोडक्शन के साथ मिलान करना है, जो जीन है उनके मिलान करना है, आई जीन, जेड जीन, ए जीन और वाई जीन का सही मिलान करना है। तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन बनेगा 100% क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 66 से 100% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आई जीन किसके लिए, किसका उत्पाद करता है, तो ये रिप्रेसर का, यानी कि थर्ड का। ठीक है, रिप्रेसर का उत्पाद करता है कौन, आई जीन। ठीक है, और जो जेड जीन होता है, जेड जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ए जीन क्या है, ए जीन करता है दोस्तों ट्रांस एसिटाइलेज, और जो वाई जीन है, वाई जीन क्या करता है दोस्तों, वाई जीन प्रीमियज का, किसका, प्रीमियज का। तो राइट आंसर होगा इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो एक बार देख लेना, देख लो आप कि आई जीन किसके लिए होता है, दमनकारी, यानी कि रिप्रेसर के लिए, जेड जीन किसके लिए होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई ए जीन किसके लिए होता है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, और जो वाई जीन होता है किसके लिए होता है, परमीएज के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लोरिंग इन द पाइनएप्पल प्लांट थ्रो आउट द एयर टू इंक्रीज एल्ड, यानी कि अनानास के पौधे को पुष्प उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है, अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप में पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन डालना चाहिए। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा हार्मोन डालना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
फर्स्ट ऑक्सीजन और एथिलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, आइडेंटिफाई द सेल हुज सिक्रेशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम, यानी कि कोशिकाओं को पहचाने जिनके स्राव जटर आदि पथ के स्तर को कई प्रकार के एंजाइम से सुरक्षित करता है। तो बताइए दोस्तों, उन कोशिकाओं को पहचाने जो जटर आदि के पथ के स्तर को कई प्रकार के एंजाइम से सुरक्षित करता है, कौन सी कोशिकाओं के स्राव, कौन सी कोशिकाओं के सिक्रेशन जटर आदि के पथ के स्तर को कई प्रकार के एंजाइम से सुरक्षित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गोब्लेट सेल। कौन सी? गोब्लेट सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, यानी कि निम्नलिखित में से किसे जैव नियंत्रण के एक कार्य के रूप में पादप रोगों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जरूर बताना, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर कमेंट करके बता दो। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्राइकोडर्मा। कौन सा? ट्राइकोडर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लेक, यानी कि अनावृत बीजों में फ्लोएम में किसका अभाव होता है, जिम्नोस्पर्म में किसका अभाव होता है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर, सभी को कमेंट करके बताना है जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी से बता दो, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोथ सीवेव ट्यूब्स एंड कैंपियन सेल्स, यानी कि चालनी नलिका और सहचर कोशिका दोनों का अभाव होता है, किसमें? जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस ओकोर, यानी कि अंडाणु केंद्रक से द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर, अंडाणु केंद्रक से द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी कि शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA, यानी किस अवस्था में दिए गए निम्न mRNA के पढ़ने के पर आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर, 72 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4, डिलेशन ऑफ जी यू फ्रॉम 7th और 9th पोजीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला इस सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज, यानी कि कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिस सेलुला इस सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर सभी को कमेंट करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटेक्शन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बेसिलस थ्यूरिजिनेसिस इन बॉलवर्म, यानी कि गोल्ब सल्ब क्रीम कर्मी में बेसिलस थ्यूरिजिनेसिस के बीटी आवेश को सक्रिय करने के लिए टॉक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd, आंत की सारे पीएच, यानी कि एल्काइन पीएच ऑफ गट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कैसेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ टाइफाइड, यानी कि निम्नलिखित में से उस सहयुग्म को चुनें जो टाइफाइड जवर के कारक और टाइफाइड के पुष्टिकरण टेस्ट को निरूपित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से, कौन सा इसका कारक है और कौन सा इसका टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, साल्मोनेला टाइप इसका कारक है और विडाल टेस्ट इसका टेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, What is the genetic disorder in which an individual has an overly masculine development, gynecosmia and
इज स्ट्राइल, यानी कि वह आनुवंशिक विकार कौन सा है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पुरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बाँझ होता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर, सभी कमेंट करके जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लाइनफेल्ट सिंड्रोम, यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, पॉलीब्लेड अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज प्रूव्ड टू बी अ गोल्ड मटेरियल फॉर, यानी कि पॉलीब्लेड पुनश्चक्रित रूपांतरित प्लास्टिक का मेन पाउडर है जो निम्नलिखित में से किसके लिए एक सुयोग्य पदार्थ के रूप में पुष्टिकृत हुए हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते हो कि पॉलीब्लेड का यूज आजकल सड़क निर्माण में किया जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द दीज फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल न्यूक्लियर वेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि नाभिकीय अवशिष्टों के निपटान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर सभी कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस, यानी कि अवशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे चट्टानों में दबा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, मैच करना है आपको किस किस को, हार्मोन्स एंड रेस्पेक्टिव डिजीज, यानी कि बीमारी और हार्मोन को मैच करना है आपको। इंसुलिन किस कौन सी बीमारी से संबंधित है, थायरोक्सिन किससे, कोर्टिकोइड किससे और वर्दी हार्मोन किससे। तो दोस्तों इंसुलिन का आप सब लोग जानते हो डायबिटीज मेलिटस, थायरोक्सिन का आप सब लोग जानते हो गलगंड यानी कि गोइटर, कोर्टिकोइड्स का अभी आप सब लोग जानते हो क्या होता है, एडिसन रोग, और वर्दी हार्मोन का कौन सा होता है, एक्रोमिल्गी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 79 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, उचित विकल्प का चयन करो। ठीक है, आपके लिए चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में उचित विकल्प का चयन करना है अपन को, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा सभी कमेंट करके बता दो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 7 युग्म वर्टिब्रोस्टर्नल, 3 युग्म वर्टिब्रोकोइड्रल एंड 2 वर्टिबल पसलियां होती है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द अर्थ समिटेड हेल्ड इन रियो डी जेनेरो 1992 वाज कॉल्ड, यानी कि सन 1992 रियो डी जेनेरो में संपन्न हुई हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इससे लाभ के धारणे उपयोग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, कोलेस्ट्रॉम द एलोविस फ्लूड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इन इनिशियली डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी इसेशनल टू इम्पैक्ट इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न इन्फेक्ट्स बिकॉज इन कंटेन, यानी कि दुग्ध श्रवण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रॉम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है। दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बताओ, जिसमें क्या होता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, इसको याद रखना, इस क्वेश्चन को आप देख लेना, बता देना कि आता है या नहीं आता। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ग्रास लीव कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, निम्नलिखित में से इसके सबसे उपयुक्त कारण का चयन करो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, बुलीफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल हो जाना, यानी कि फ्लेसिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी और बड़ी भुजाओं को क्या कहते हैं, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक
क्रोमोसोम आर रेफर टू एज। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पी आर्म्स एंड क्यू आर्म्स रेस्पेक्टली, यानी कर्मश पी भुजा, छोटी भुजा को पी तथा बड़ी भुजा को क्यू कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, ट्राइपार्मिटिन के शोषण गुणांक का मान कितना होता है, रेस्पिरेटरी क्वांटिटी वैल्यू ऑफ ट्राइपार्मिटिन। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर, ट्राइपार्मिटिन के शोषण गुणांक का मान कितना होता है। तो दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि ट्राइपार्मिटिन का शोषण गुणांक कितना होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड 0.7, कितना होता है 0.7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो बताइए दोस्तों कौन सा व्यवसायिक कारक है कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर, सभी कमेंट करके बता दो। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम बहुत हेल्पफुल करेंगे, यदि आपको हेल्पफुल नहीं होना तब बता देना, आप तो एग्जाम देकर आओ फिर मेरे को बताना कि क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेनिन, क्या है ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल राइट हो जाएगा स्टेनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, आपके लिए अंग दे रखे हैं और उनके स्थान के साथ मिलान करना है, यानी कि कुछ अंग दे रखे हैं, ये अंग दे रखे और स्थान है तो इनके साथ मिलान करना है, कौन सा अंग कहाँ मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो, लिवर कोन की प्रक्रिया यानी कि क्रैप्ट्स ऑफ लिवर कोन। तो ये कब किससे संबंधित है, लेबर कोण की परगुहिकाएं किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये है किसे शूद्रांत से, यानी कि स्मॉल इंस्टेंटाइन से। ग्लिसन कैप्सूल किससे संबंधित, ग्लिसन के कैप्सूल किससे संबंधित है, तो ग्लिसन के कैप्सूल संबंधित है यकृत से। लैंगरहंस की द्वीप किससे संबंधित है, यह है यकृत से। और ब्रूनन की ग्रंथियां किससे संबंधित है, यह ग्रंथि से यानी कि ड्यूओडेनम से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, पादपों और जंतुओं को विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केज फॉर एनिमल एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन एक्सटेंशन। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आवास शक्ति का विखंडन यानी कि हैबिट लॉस फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर, अंग तंत्र संगठन स्तर, द्विपार्श्व समिति, पूर्ण परगुई शरीर खंडी भवन यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलेटरल सिमेट्री, ट्रिप सिलोमेटस विद सेगमेंटेशन बॉडी। तो बताइए दोस्तों ये जीव संघ जो सभी उपरोक्त विशेषता दर्शाते के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, सभी आप कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर तभी कमेंट करके बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एनेलिडा ऑर्थोपोडा और कोडेटा, यानी कि एनेलिडा ऑर्थोपोडा और कोडेटा, यानी कि अंग तंत्र संगठन स्तर, द्विपार्श्व समिति, पूर्ण परगुही और शरीर खंडी भवन होता है किसका, एनेलिडा का, ऑर्थोपोडा का और कोडेटा का। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी सभी कमेंट करके बताना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और मिलते हैं कल वाली सुबह वाली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों, और सभी के इन क्वेश्चनों को एक बार और रिवाइज कर लेना जब आपको टाइम मिले एग्जाम से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, कल सुबह, अगली क्लास में क्या सुबह मिलेंगे अब, तो गुड नाइट दोस्तों, बाय।